केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की पत्रकार वार्ता और कहा कि राज्य के खजाने में पैसा नहीं है, ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सरकार बात भविष्य की कर रही है। सरकार जब इतना सब देने की बात कर रही है तो किसानों से धोखा क्यों कर रही है? राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, लेकिन किसान को औने पौने दाम में बाजरा बेचना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने एक बार भी MSP पर खरीद के लिए केंद्र सरकार से मांग नहीं की। अभी तो शुरुआत है, किसी भी भ्रष्टाचार करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये उन लोगों के न्याय हुआ है जिनके साथ पेपर लीक में धोखा हुआ। 19 बार पेपर लीक हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए ईडी की कार्रवाई। घबरा क्यों रहे हैं? अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर 100 बार ईडी आ जाए, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्यों घबराओ? ये घबराहट ही है, इसीलिए अशोक जी गहलोत ने खुद ने पीसी करवाई और कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं जब भी सत्ता में आऊंगा या मैं सरकार में आऊंगा तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो इसीलिए जनता ने विश्वास दिलाया और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर कार्रवाई होगी और न्याय देना हमारी प्राथमिकता में है। राजस्थान के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए, RPSC के जो सदस्य हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, सचिवालय के अंदर पैसा मिला।